तो हेलो कह दिया था सब लोग वेलकम बैक टू द वीडियो तो आज वाली वीडियो हम लोग दोबारा से खेल जा रहे हैं जूबा और आप लोगों को बताइए भाई मैं बहुत समय बाद वीडियो डाल रहा हूँ तो उसका एक रीज़न है क्या है किया देखो मेरे फादर है ना उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी तो हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे थे काफ़ी दिन मतलब दिल्ली में हम लोग थे मैं भी था दिल्ली में ही तो मैं वहीं था बीस दिनों से तो वहीं से भाई टाओ गेमिंग के लिए वीडियो बना रहा था मैं तो मेरे पास कोई टाइम ही नहीं था तो बस टाओ गेमिंग के लिए वीडियो बना देता था मैं जैसे जैसे जूबा वगैरह खेलता था वैसे और एट द एंड भाई पापा की तबीयत है जो ज़्यादा ख़राब हो गई तो उन्हें हार्ट अटैक वगैरह आ गया तो फोर्टीन जनवरी को मेरे फादर एक्सपायर हो गए तो मेरे फादर ने जो फोर्टीन जनवरी को एक्सपायर हो गए और जो मेरी मम्मी थी वो वो दो हज़ार सोलह में एक्सपायर हो गई तो इसीलिए भाई मैं वीडियो नहीं डाल रहा था बहुत समय से और बट अभी मैं भाई देखो टाओ गेम पहले बना थोड़ा रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा वीडियो वगैरह डाला करूंगा मिनिमम एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ के वीडियो डालने की कोशिश करा करूंगा ठीक है तो अभी देखो भाई जुबा की बात करें तो देखो जुबा में कुछ भी नया नहीं चल रहा है नवंबर महीने से जुबा में कुछ भी नहीं आया है आप लोगों को भी बताइए नवंबर में कुछ आया नहीं था दिसंबर में बस ये पोलर वियर आया था अपना उसके बाद जनवरी में भी एक स्किन आई थी पोलर वियर की उसमें भी बग वग़ैरह थे तो वो भी मतलब उन लोगों ने बंद कर दी मतलब वो अगले महीने दोबारा से लॉन्च करेंगे उसी वाली स्किन को तो ये हाल चल रहा है अभी जुबा का कुछ भी नया वगैरह तो नहीं आ रहा है तो आज वाली वीडियो हम लोग थोड़ा सा देखो अर्सला से खेल लेता हूँ मैं क्योंकि देखो अरसला है ना जो करेक्टर उसके बारे में, में मेरे को थोड़ी बहुत बातचीत भी करनी है और आप लोगों की क्या अपने हाल बताना इतने दिनों बाद जो मैंने वीडियो डाली है तो आपके क्या हाल है जुबा कैसा चल रहा है आपको मज़ा आ रहा है जुबा में या नहीं आ रहा और कौन सा गेम आप लोग खेल रहे हो तो बाकी देखो अभी टाओ गेम प्ले के फ्यूचर प्लान क्या है कि मैं ना जुबा की वीडियो कम ही डाला करूंगा अब मतलब एक हफ्ते में एक बार या दो हफ्ते में दो बार ऐसे करके या फिर एक महीने में कह लो तीन से चार बार ठीक है क्योंकि अब मैं दूसरे गेम्स डाला करूंगा जो मेरे को पसंद आए करेंगे नए नए गेम्स जो मैं आप लोगों को भी बताया करूंगा कि ये वाला ट्राई करो वो वाला ट्राई करो ओके और अभी जो भाई काफी गेम ट्रेंडिंग में चल रहा है पाल वर्ल्ड आप लोगों ने नाम सुना होगा तो वो मैं खेलूंगा तो जुबा के बाद भाई पाल वर्ल्ड की वीडियो आएगी तो वो एक सर्वाइवल गेम है तो बाकी हम लोग पाल वर्ल्ड के बारे में उसी वाली वीडियो में बात करेंगे पाल वर्ल्ड के गेम में तो अभी हम लोग जुबा मा भाई अर्सला से खेलने वाले हैं तो अर्सला देखो भाई कैसा है अर्ला ना अभी बेकार हो चुका है भाई बहुत ज़्यादा बेकार करैक्टर हो चुका है ये पहले भी बेकारी था क्योंकि मेरे को पता था ये बेकारी करैक्टर होने वाला है और अभी यार स्टैंडर्ड में वॉल कैनो पाक चल रहा है तो ये बर्फ़ में ज़्यादा बढ़िया है अर्सला देखो बर्फ में भाई इसका तोड़ नहीं है बर्फ में भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है बट वैसे वाले इलाकों में ना बहुत ज्यादा स्पीड कम है इसकी और जो इसकी एक्टिविटी है उसकी भी स्पीड बहुत ज्यादा कम है तो मतलब यार बंदों को ये मार नहीं पाता है लेवल ट्वेंटी का असला भी यार मतलब बहुत ईजी है उसे मारना अगर वो बर्फ बर्फ वाले इलाके में ना हो तो तो पहले तो भाई अरसला अच्छा इसलिए था क्योंकि भाई बर्फ वाले इलाके का पूरा मैप था मतलब हर जगह बर्फ ही बर्फ थी तो इसकी जो अर्सला की पैसे बना वो काम ही करती रहती थी जब तक बर्फ वाले इलाके में नीचे नहीं उतरता था जब तक बट अभी तो भाई पूरा खेल खराब हो चुका है का अभी ये शायद मेरे हिसाब से अर्सला ना वीक करेक्ट हो चुका है मतलब सबसे ज्यादा वीक तो नहीं है पर हाँ वीक करेक्ट हो चुका है और यहाँ पे लेरी

तो मैं उसके साथ रहूँगा उसी इलाके में वरना में बर्फ वाले इलाके में रहने की कोशिश करूँगा अगर मैं बर्फ वाले इलाके से बाहर निकला ना तो अरसला मारा ये हो गया आज आजकल अरसला के साथ तो अभी यहाँ से ये वाली हेल्थ किट भी ले लेते हैं बक मेरे को लग रहा है एक बढ़िया बंदा है वो शायद वो घास में भाई काफ़ी ज़्यादा मारपीट कर रहा है चलते हैं उसके पास जरा थोड़ी बहुत तो मैं मदद कर ही दूंगा भाई बंदा वो जमा जुमू के आ हाँ भाई जल्दी से जा रहा हूँ उसके पास उससे पहले कि मैं नॉकआउट वगैरह वो लेवल एलेवन का यानी कि इतना भी कुछ खास नहीं है मुझसे भी छोटा है तो यार मैं सोच रहा था कि शायद बड़े लेवल का हुआ इसे मारते पहले यही है ना जो मेरी हेल्थ किट चुरा के भागा था तो अभी रोको यहाँ पे लेवल फिफ्टीन माइल हो ना उसका बहुत ज़्यादा ओके okay, आ जा जमेगी ये जम जमी नहीं अरे यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो जमाना चाहिए मेरे को क्योंकि ये वाली हेल्थ गिट ओके okay, अरे भाई ये मर गया अपना बंदा वो माइल हो ना जंगल सू लगा के बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही है और यहाँ पे मैं इस वाली मौली को मार मौल लेता हूँ जब तक आ जा भाई मोली अभी इसकी जो लोडिंग है ना बहुत ज़्यादा धीमी है यार एक्टिव की इसीलिए दिक्कत वाली बात कर रहा है या तो इसकी जी एक्टिविटी की रिलोडिंग टाइम बढ़ा दिया जाए मतलब बढ़ा दिया जाए मेरा मतलब है कि घटा दिया जाए जैसे कि जिससे कि इसकी जो बॉल है ना वो और ज़्यादा जल्दी रिलोड होने लगे जैसे बर्फीले इलाके में होती है ना अरे यार यहाँ से तो निकलना सही रहेगा क्योंकि वो वाले बंदे मेरे को मार रहे हैं यार उन्हें पता है लोकेशन मेरी क्योंकि मैं अपने बंदे को रिवाइव जो कर रहा हूँ अभी यहाँ पे माइल हुआ है ना उसको बस एक बार मैंने पकड़ लिया ना ये रही चलो इसके छोटे बंदे को मारते हैं ये मेरी हेल्थ के भी चुरा के भागा था और इसके पास तो बॉम्ब भी है गया बच गया भाई बंदा ये मेरे को मार ही देता पर तो मैं बची ही बच गया हूँ अभी यहाँ पे एक माइल हुआ है ना इसकी साथ ही है तो अभी यहाँ पे मैं के दोबा से निकल लो भाई क्योंकि मैं पता है मैं मर गया मैं पता था मैं मरने वाला हूँ तो हर से तो भाई हो गया और आप लोगों ने देख भी लिया की हरसला भैया बेकार हो चुका है तो अभी मैं दूसरे करेक्टर से खेल लेता हूँ हालांकि इसमें कोई करेक्टर तो आया नहीं है फरवरी में शायद कोई करेक्टर आएगा अभी तो कोई न्यूज नहीं है अभी तो भाई स्किन्स तक नहीं आ रही गेम के अंदर तो अभी मैं भाई सूजी से खेल लेता हूँ सूजी भाई अपनी बेस्ट करेक्टर है इससे खेल लेते हैं और सोलो ओके एक मिनट वॉल के नहीं यार नहीं ही लगा लेते हैं डूवे में वही हम लोग अरसला का बदला ले लेंगे सूजी से ओके यार तो भी अपना गेम यहाँ पे स्टार्ट चुका है और मेरी टीम में शायद माइलो आई एस वारना और भी लेवल एटीन का बंदा है और नहीं माइलो नहीं नेक्स है और ये नेक्स जरूर हंड्रेड बहुत ज्यादा छोटे लेवल का होगा लेवल ट्वेल्व का हो तब भी बहुत ज्यादा खतरनाक बात है बट वो होगा नहीं लेवल ट्वेल्व का उससे छोटा ही होगा और अपोनेंट आए हैं मेरे भाई लेवल एटीन के बंदे और फेरोमोन के साथ फेरोमोन भी लगाया होगा पक्का तो अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने बंदे नेक्स्ट के बाद उसका लेवल चेक करूँगा उसके बाद देखूँगा वो किसी काम का है या नहीं है तो यहाँ से इस वाली गार्ड को मार के जल्दी से हेल्थ वगैरह ले लेते हैं और भाई नेक्स्ट में आ रहा हूँ इसके पास क्या है ओ भाई लेवल एटीन का बंदा ये बहुत सही है लेजेंडरी गन भी चुरा लाया चलो ठीक है अब देखते हैं कॉफ़ी वॉफी लगा के आया है बंदा इसके साथ मैं रहूँगा तो सही रहेगा मेरे लिए ठीक है तो यहाँ से चलते हैं वो ये से मार लेवल ट्वेल्व के बंदे को मार जल्दी से है मैक्स भाग्य ओ भाई लेवल ट्वेंटी का बंदा भी है यहाँ पे जल्दी से उठाइए वाली हेल्थ किट वगैरह यहाँ पे एक बंदा आ रहा है जो कि खतरनाक है मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और भाई पीछे पीछे पीछे, पीछे। लेवल है लेवल ट्वेंटी का बंदा एट्टीन के पीछे बढ़ गया सही है बक्को तो मार सकता है वैसे आराम से मार भाई तू मैं तेरी मदद करूँगा आंधे उस बक्को उसकी कॉफी और ठंडी हो जाए उसके बाद उसे हम लोग आराम से मिलकर देखेंगे दोनों की दोनों बट उससे पहले मत मारियो भाई देखते लेदन डी शॉट गन है तो उसका अच्छा फ़ायदा उठाइयो लेवल एटीन का भी है तो यहाँ पर भी पीछे लड़ाई चल रही है ओके तो यहाँ पे देखो भाई किसी ने मारा भी और लेवल ट्वेंटी की लीजिए भाई मैं दीदी मुझे दूर रहो यार मैं मर जाऊँगा मदद कर मेरी मदद कर मदद कर बच गया मैं बच गया हूँ भाई बिल्कुल ही बिल्कुल मैं लेवल एटीन का बंदा कहाँ है मैं उसके पास रहूँगा भाई मैं उसके पास रहूँगा मेरे को हेल्थ किट की जुगाड़ करनी है रेको यहाँ पर हेल्थ किट हो गई अभी मॉली मरी थी ना तो शायद उसकी हेल्थ किट होनी चाहिए यहाँ पर बट अभी मेरे को हेल्थ किट नहीं दिख रही है एक मिनट वो वाली हेल्थ किट है यहाँ पर थी ये ये रही ये रही इधर आ नेक्स्ट इधर आ ये वाली हेल्थ किट उठा ले जल्दी से उठा पानी में जाके जल्दी से उठा लेगा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बंदा उठा ले तो सही रहेगा सही है इसके बाद भी हेल्थ किट नहीं थी तो ये बढ़िया हुआ मैं फ्री की हेल्थ किट मिल गई दस बंदे बचे हुए हैं देखो भाई है। इसमें जीतने के चांसेस मेरे को बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं क्योंकि हमने एक लेवल ट्वेंटी का बग देखा था तो अगर उसे मौका मिल गया ना लेवल ट्वेंटी के बग को तो वो पक्का हरा देगा हम लोगों को तो हम लोगों को भाई एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा हम लोग बग के चपेटे में ना आ जाएँ वरना तो दिक्कत हो जाएगी और यहाँ पर एक लेरी है जिसने भाई होशियारी करने की कोशिश करी थी बट पिट गया तो अभी इसके अंदर मैं आराम से जाऊँगा ओ यहाँ पर भी एक लेरी है चलो ठीक है मेरे में से आउट करनी पड़ी और मेरा बंदा कहाँ पर है नेक्स्ट बढ़िया ये बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा हुआ और हम लोग यहीं पर रहेंगे अभी इसका जो लेवल का अभी मैं सोचा था लेवल का लैरी बचाने आएगा उतने में उठा के भाई चला गया यहाँ से ओके बच गया ये वाला लेरी इसकी किस्मत थोड़ी सी बढ़िया चल रही है ज़्यादा बढ़िया नहीं अभी हाँ बच गया मैं मेरी किस्मत भी अच्छी चल रही है अरे भाई ये क्या कर दिया अरे यार ये तो अच्छा नहीं हुआ लगा इसे हाँ बढ़िया भाई अरे अभी यार उसने उसके पार खींच लिया कैसे खींचा यार है यार बका है वो मर गया क्या बक जो हमें स्टार्टिंग में मिला था कॉफी लगा के घूम रहा था हाँ वो मर गया होगा वरना अब तक तो यहाँ पर तबाही बच रही होती बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई ओके यार भाई आज वाली वीडियो मत ही है वाली वीडियो हो, थोड़ी सी अच्छी रही तो लाइक से सब्सक्राइब जो करना गाइस और तो सबसे इंपोर्टेंट कमेंट जो करना तो आज वाली वीडियो बाय